हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल खड़े हैं, जिस पर जवाब सामने ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं कुरान में मौजूद है कि हिजाब जरूरी नहीं है, धर्म के अकॉर्डिंग हिजाब इतना जरूरी नहीं है। कुरान में जब ये कहा गया है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हिजाब को मैंडेटरी नहीं बनाया जा सकता है, इंस्टीट्यूट में यूनिफॉर्म कोड को फॉलो करना ही पड़ेगा। पूरा राइट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ऐसा करने की और हर छात्र को एक जैसे रूल को फॉलो करने की। इस मामले में गुस्साए गए मुस्लिम छात्राओं ने, मुस्लिम महिला छात्राओं ने अपना एग्जाम नहीं दिया था, एग्जाम छोड़कर वो बाहर निकल गई थी क्योंकि उन्हें एग्जाम नहीं पहनने दिया जा रहा था, जिनके बारे में कहा जाता है कि अब उन्हें दोबारा एग्जाम देने से भी मना किया जा रहा है। खैर, मंदिरों में लगने वाले मेलों में मुसलमानों की दुकानें बैन पर अब बड़ा बवाल हो गया है। कर्नाटक में बैनर लगकर, जी हाँ, हिजाब विवाद का मामला ठंडा नहीं हुआ कि नया विवाद इस वक्त कर्नाटक में शुरू हो गया है। कर्नाटक के कई मंदिरों में वार्षिक मेले में मुसलमानों के दुकान लगाने पर रोक लगा दी गई है। इस तरह की खबरें जमकर आ रही हैं। जी हाँ, ऐसे में हम आप सबको बताना चाहेंगे, कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद सांप्रदायिक तनाव और बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण तटीय कर्नाटक क्षेत्र में कुछ बैनर्स ऐसे भी लग गए हैं जिन पर लिखा है मंदिरों के वार्षिक मेले में मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते हैं। मुताबिक इसकी अगर बात की जाए तो दक्षिण पंथी समूहों ने इसकी मांग की थी, ज्यादातर मंदिर समितियां दबाव में आ गई। दक्षिण पंथी समूह का कहना था कि हिजाब पर आए फैसले के बाद मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया, अपनी दुकानें बंद रखी। ऐसे में मंदिरों को उन्हें वार्षिक मेले में स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस तरह की डिमांड हुई तो पुत्तूर तालुक के महालिंगेश्वर मंदिर में 20 अप्रैल से वार्षिक मेले का आयोजन किया जाना है अगले महीने। इसी मेले में जो स्टॉल लगती है, जमीन की नीलामी होनी है, वहां पर नीलामी मुसलमानों के हिस्से लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे मालूम चलता है कि हिंदुओं को हुई स्टॉल के लिए बोली लगाने की अनुमति होगी। अब बैनर में जो लिखा है उसकी बात करें तो उस पर लिखा हिंदू जागरूक हो चुके हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले में बप्पन न्यूरी श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में भी वार्षिक उत्सव का ऐसा ही पोस्टर सामने आया है, जिसमें लिखा गया है कि बिजनेस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो उन लोगों को जो कानून का सम्मान नहीं करते हैं, जो एकता के खिलाफ है, उन वो जो कि गायों की जिंदगी लेते हैं जिन्हें हम पूजा करते हैं, अब हिंदू जागरूक है। इस तरह की डिमांड शुरू हो गई है। अब यहां आप सबको बता दें कि कानून टीम से परामर्श लिया जाएगा, संस्था शिकायत दर्ज कराती है अगर, इस पर भी कहा जा रहा है तहसीलदार वहां का दौरा कर रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसी पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं आप सबको बताना चाहेंगे, लाखों लोग मंदिर जाते हैं, करोड़ों रुपए का व्यापार होता है जिस मेले की हम बात कर रहे हैं, जहां मुसलमानों को जाने से मना कर दिया गया है। पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने भी इसके फैसले की बहुत निंदा की है, कहा गया है कि ये गलत है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।